हेलो गाइस, मैं हूँ आदर्श शुक्ला। आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की डेट है 7 फरवरी। हम लोग आज के करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किस विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रणब कुमार गोगोई का निधन हो गया है? इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये असम राज्य के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए इनसे रिलेटेड फैक्ट हम लोग चेक करते हैं। ये असम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस विधायक प्रणव कुमार गोगोई का निधन हो गया है। वह पहली बार असम के शिवसागर विधानसभा से चुने गए थे, जिसके बाद वह लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2006 से 11 में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्री और 2011 में असम विधानसभा के स्पीकर के रूप में भी कार्य किया था। 2015 में प्रणव कुमार ने असमिया शब्द की परिभाषा लिखी थी, जिसके मेन लिए इन्हें याद किया जाता है। इन्होंने असमिया शब्द की डिफिनेशन बताई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिंच एक संस्था है जो रेटिंग्स जारी करती है। फिंच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान बताया है? तो इस वर्ष 2021 में फिंच ने भारत की जीडीपी 5.6% रहने का अनुमान बताया है। चलिए देखते हैं फिंच से रिलेटेड कुछ फैक्ट। फिंच रेटिक्स के सीईओ कौन है? पॉल टेलर जी। और फिंच रेटिक्स के अध्यक्ष हैं इयान लिन नेल। फिंच रेटिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रांड वैल्यू से कमाई में शीर्ष स्थान पर इस वर्ष किसे दिया गया है? तो इस वर्ष विराट कोहली को शीर्ष स्थान प्राप्त है। लास्ट ईयर भी विराट कोहली को भी शीर्ष स्थान प्राप्त था। ये एक रेटिंग लिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो इस रेटिंग लिस्ट में देखते हैं नंबर 1 पोजीशन किसे दी गई। नंबर 1 पोजीशन पे हैं विराट कोहली 237.5 USD मिलियन डॉलर के साथ। और सेकंड पे हैं अक्षय कुमार 104.5 मिलियन डॉलर पे। इनके बीच का गैप बहुत ही ज़्यादा है। और फिर दीपिका पादुकोण थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे रणवीर सिंह, 5 पे शाहरुख खान, 6 पे सलमान खान, 7 पे आलिया भट्ट, 8 पे अमिताभ बच्चन एंड 9 पे MS धोनी, 10th पे शाहरुख खान सॉरी आयुष्मान खुराना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में प्राकृतिक गैस के नए भंडार पाए गए? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में प्राकृतिक गैस के नए भंडार पाए गए। तो कितने मात्रा मतलब कितनी मात्रा में गैस मिली है, इससे रिलेटेड फैक्ट में मैंने बताया है कि 2 फरवरी 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के उथले ज्वलनशील गैस भंडार पाया गया है, जिसमें रिजर्व अबू धाबी और दुबई के अमीरात के बीच स्थित है। रिजर्व मतलब जो भी मात्रा गैस की मिली है वो कहाँ पे रिजर्व है या पाई गई है, वो अबू धाबी और दुबई के अमीरात के मध्य में पाई गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राशन कार्ड जैसी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस राज्य ने जन सेवा योजना की शुरुआत की है? तो ये है जन सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, किस रिलेटेड, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं के लिए, होम डिलीवरी के लिए। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राशन कार्ड जैसी सुविधाओं को होम बेस पे उपलब्ध कराने का योजना पारित की है, इसका नाम है जन सेवा योजना। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट को कि कर्नाटक सरकार ने राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान, स्वास्थ्य कार्ड जैसी विभिन्न सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ नगर निगम वार्डों में जनसेवा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा शुरू की गई यह योजना 11 विभागों से जुड़ी और 53 सेवाओं से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बाफ्टा अवार्ड में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ भाषा का अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में बाफ्टा अवार्ड संपन्न हुए हैं,
तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भाषा का अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार 1970 मूवी ने जीता है। तो देखते हैं 1970 मूवी किस पे बेस्ड है। प्रथम विश्व युद्ध के नाटक 1917 में लंदन में ग्लैमरस समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान लेने वाले निर्देशक सैम मेंडेस को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एवं टेलीविज़न अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड्स, इसी को शॉर्ट में बाफ्टा भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एंड लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की इस वर्ष क्या रैंकिंग रही है? तो IP सूचकांक में भारत की इस वर्ष रैंकिंग 36 रही है। लास्ट ईयर इंडिया को जो रैंकिंग मिली थी वो 44 थी। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग चेक करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 8 स्थानों की छलांग के साथ 36वें पावदान पर पहुंच गया है, और लास्ट ईयर इसकी जो प्लेस थी वो 44 थी। यह सूचकांक अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। GIP का नाम है कंप्लीट ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर। GIP ने इस बार इसके लिए 45 मानकों के आधार पर 50 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया है, जिसके आधार पर तैयार रिपोर्ट इंस्पायरिंग टुमारो ने कहा है कि 50 देशों में एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा सुधार भारत की स्थिति में देखा गया है। GIP के मानकों में पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल है। किसी व्यापार अथवा संस्था द्वारा लिखी या बनाई गई किसी रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम तथा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत को इस वर्ष 36वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि भारत में नवाचार के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी के साथ आज हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।